हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहले सब समझते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब क्या है। आपको पता है अगर किसी कंडक्टर में क्या धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, क्या चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो फैराडे ने एक प्रयोग किया कि क्या हम चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, तो उन्हीं प्रयोगों को आज हम समझेंगे, ठीक है। तो फैराडे ने दो नियम दिया था, हम इसके प्रथम नियम को समझते हैं पहले। प्रथम नियम को समझते हैं, ठीक है। ये आपका एक चुंबक है, ठीक है। ये आपका क्या है, धारा मापी, ये कुंडली, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में कुछ भी करंट उत्पन्न होगा तो ये धारा मापी उसका मापन करेगी, ठीक है। पहले देखें, हमने क्या किया, एक चुम्बक लिया और एक कुंडली, और इन दोनों को ऐसे रख दिया। तब इसमें करंट क्या था, शून्य था, ठीक है। क्या धारा क्या थी, शून्य थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इस चुंबक को क्या कर रहे हैं, इस कुंडली की तरफ ले जा रहे हैं, क्या इस कुंडली की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। तब क्या हुआ, जो आपका धारा मापी का संकेतक था वो दाईं तरफ घूम गया कुछ, ठीक है। इसका मतलब क्या, जब हम इस चुंबक को इस कुंडली की तरफ ले जा रहे थे, देखिए जब चुंबक और कुंडली को स्थिर रखे थे तब आपका धारा क्या था, शून्य था। जब हम चुम्बक को कुंडली की तरफ ले जा रहे थे तब आपका विक्षेपक जो था, मतलब संकेतक, वो कुछ दाईं तरफ घूम गया, मतलब इसमें करंट उत्पन्न हो गया। तो I इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब यहाँ धारा शून्य नहीं है। अब हम कुछ दूर लाने के बाद तो क्या करते हैं, इस चुम्बक को फिर से रोक देते हैं, क्या करते हैं, चुम्बक को रोक देते हैं, मतलब स्थिर कर देते हैं। फिर आपका संकेतक कहाँ, जीरो पे आ जाता है, मतलब यहाँ फिर करंट क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। पहले हमने दोनों को स्थिर रखा तब क्या था, करंट शून्य। जब हम चुंबक को कुंडली की तरफ ले जा रहे थे तो करंट क्या हुआ, शून्य नहीं था, ठीक है, कुछ करंट मतलब उत्पन्न हुआ, ठीक है। जब हमने कुछ दूर आने के बाद फिर चुंबक को स्थिर कर दिया तो फिर क्या हो गया, करंट शून्य हो गया, ठीक है। अब तीसरी अवस्था में हम क्या करेंगे, इस चुंबक को हम अब कुंडली से दूर ले जाएंगे, क्या कुंडली से दूर ले जाएंगे, पहले आपका जब हम कुंडली की तरफ ला रहे थे तो आपका संकेतक क्या दाएं तरफ घूमा था, अब ये क्या बाएं तरफ घूम गया, ठीक है, जीरो से बाएं तरफ, ठीक है, बाएं तरफ घूम गया। यहाँ भी करंट शून्य नहीं है, मतलब कुछ करंट उत्पन्न हुआ। पहले देखिए, आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, आपको पता है जो फ्लक्स रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ की होती है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। मान लीजिए आपके शुरू में जो फ्लक्स रेखाएं थी ऐसे जाती हैं, मान लीजिए तीन फ्लक्स रेखाएं कट कर रही थी, कितनी, मान लीजिए तीन फ्लक्स रेखाएं कट कर रही थी, तो ये दोनों स्थित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये दोनों ऐसे स्थिर हैं, तो आपकी फ्लक्स रेखाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे मतलब इसे तीन फ्लक्स रेखाएं कट कर रही थी, ठीक है। हमने सेकंड कंडीशन में क्या किया, अब इस मैग्नेट को इस कुंडली की तरफ ले जा रहे हैं, जब हम इस कुंडली की तरफ ले जा रहे हैं तो जैसे जैसे ले जाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स रेखाओं के मान में वृद्धि होगी, मतलब फ्लक्स रेखाएं बढ़ेंगी। मान लीजिए पहले आपका तीन फ्लक्स रेखाएं कट कर रही थी, देखो जब स्थिर था तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर तीन फ्लक्स रेखाएं कट करेंगे तो तीन कट करेंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इसे कुंडली की तरफ लाएंगे, मान लीजिए पहले तीन फ्लक्स रेखाएं कट कर रही थी, और आगे लाएं तो हो सकता है चार कट करे, फिर और आगे लाएंगे फिर पाँच कट करेगा, और आगे लाएंगे तो छः, ऐसे, ठीक है। तब क्या हमारा करंट उत्पन्न हो रहा था, फिर जैसे ही हमने छः पे ला के रोक दिया,
क्या, जब 6 फ्लक्स रेखाएं इसे कट कर रही थी कुंडली को, तो लाके रोक दिया, तब भी तब आपका करंट क्या हो गया, शून्य हो गया। फिर जैसे ही हमने अब इसे 6 से मतलब 6 फ्लक्स रेखाएं जब कट कर रही थी, अब इससे हम कुंडली को, कुंडली से इस चुंबक को अब क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो आपकी फ्लक्स रेखाएँ फिर घटना शुरू हो जाएंगी। मान लीजिए 6 थी, फिर 5, फिर 4, फिर 3, ठीक है, मतलब फ्लक्स रेखाएँ अब घट रही हैं, तब भी आपका करंट क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, मतलब करंट शून्य नहीं है, ठीक है। पहला फर्स्ट कंडीशन यहाँ से देखिए, जब फ्लक्स रेखाओं के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा था तब आपका करंट शून्य था, मतलब कोई भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो रहा था, मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो रहा था, ठीक है। जैसे जैसे हम चुंबक को इस कुंडली की तरफ ला रहे थे तब क्या हुआ, आपके फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या, करंट उत्पन्न हुआ। और जैसे ही हमने फिन इसे स्थिर कर दिया तो फिन क्या हो गया, आपका करंट शून्य। फिर जैसे ही हमने मतलब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाना शुरू किया तो फ्लक्स रेखाओं के मान में परिवर्तन होना शुरू हो गया, ठीक है, तब आपका करंट उत्पन्न हुआ। मतलब कहने का ये है, चुंबक और कुंडली के मध्य यदि सापेक्ष गति हो रही है तब उनके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स रेखाएं क्या, इस कुंडली को कट करेंगी, तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या, जब चुम्बक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होगा तब फ्लक्स रेखाओं के मान में परिवर्तन होगा, और यदि फ्लक्स रेखाओं के मान में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स रेखाएं इस कुंडली को क्या करेंगी, कट करेंगी, तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि आपका सर्किट मतलब परिपथ क्लोज है, मतलब बंद परिपथ है, तो उसमें करंट उत्पन्न हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और यदि आपका परिपथ बंद नहीं है, क्लोज मतलब ओपन सर्किट है, मान लीजिए ये आपका चुम्बक है, ये आपने एक कंडक्टर लिया है, लेकिन ये क्या है, क्लोज नहीं है, ठीक है, और इसे आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ क्या, ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्या, सिर्फ ईएमएफ उत्पन्न होगा, मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, करंट नहीं उत्पन्न होगा। अगर यही हम क्या करें, इसके जगह हम क्लोज सर्किट ले लें, मतलब बंद परिपथ ले लें, तो इसमें क्या, पहले ईएमएफ उत्पन्न होगा, और ईएमएफ के कारण फिर क्या, इसमें क्योंकि ये बंद परिपथ है तो इसमें क्या, करंट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, क्या, करंट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक उसमें करंट उत्पन्न नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है। तो आपका फैराडे का प्रथम नियम क्या था, यदि चुम्बक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और यदि फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो फ्लक्स रेखाएं कुंडली को कट करेंगी, जिसके कारण से ईएमएफ उत्पन्न होता है, और यदि सर्किट क्लोज है मतलब बंद परिपथ है तो उसमें क्या, करंट उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये आपका फैराडे का प्रथम नियम था, ठीक है। अब फैराडे का द्वितीय नियम समझते हैं, तो द्वितीय नियम क्या है, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुपातिक होता है। क्या, कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ, क्या, कुंडली में प्रेरित उत्पन्न या उत्पन्न ईएमएफ जो होता है, क्या, फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है या अनुपातिक होता है, ठीक है, क्या, फ्लक्स परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे आप यहाँ देखिए, आपका जब मान लीजिए क्या, हम इस चुंबक को इस कुंडली की तरफ कैसे धीरे धीरे ला रहे थे, तो फ्लक्स परिवर्तन कैसे हो रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, मतलब प्रति सेकंड परिवर्तन कितना था, 1 फ्लक्स का था, क्या, प्रति सेकंड परिवर्तन कितना था, 1 फ्लक्स का था, देखिए इनके बीच 1 फ्लक्स का, ठीक है। मतलब जब हम इस चुंबक को धीरे धीरे इस कुंडली की तरफ ला रहे थे तो 1, 2, 3, 4 मतलब प्रति सेकंड फ्लक्स का परिवर्तन कितना था, 1। अब इसी हम चुंबक को क्या करेंगे, इस कुंडली की तरफ खूब तेज़ी से लाएंगे, तब मान लीजिए फ्लक्स परिवर्तन कितना था, 4, 8, 12,
16, 20, मतलब अब इनके बीच अंतर देखिए, मतलब प्रति सेकंड परिवर्तन कितना है, अब 4 फ्लक्स का है, कितना है 4 फ्लक्स का है, देखिए 4 फ्लक्स का, ठीक है। मतलब क्या है, द्वितीय नियम क्या कहता है, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन दर के अनुमान पाती होता है। मतलब अगर यहाँ देखिए फ्लक्स परिवर्तन प्रति सेकंड कितना है, 1 फ्लक्स का है, और यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन कितना है प्रति सेकंड, 4 है। मतलब आपका फ्लक्स परिवर्तन जितना धीमा होगा, मतलब जितना कम होगा, उसमें विद्युत वाहक बल उतना कम उत्पन्न होगा, अगर विद्युत वाहक बल कम है तो उसमें करंट भी कम होगा, ठीक है। अगर फ्लक्स परिवर्तन की दर अधिक है तो वहाँ आपका उत्पन्न विद्युत वाहक बल अधिक होगा और करंट भी अधिक होगा, ठीक है। तो हमारा जो कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ फलक परिवर्तन दर के अनुक्रमान पाती होता है, ये था आपका फैराडे का द्वितीय नियम। क्या होता है, जो हमारा फलक परिवर्तन की दर अनुक्रमान पाती होता है, ठीक है, उत्पन्न ईएमएफ के, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा के इंटू डी फाइव बाई डी टी, के का मान जहाँ 1 है, ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पर डी फाइव क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन, डी टी क्या है, समय में परिवर्तन, ठीक है। आपका यहाँ पर एक माइनस चिन्ह होता है, ये माइनस चिन्ह किस कारण से होता है, लेंज ला के कारण होता है, क्या है, लेंज ला के कारण, ठीक है, लेंज के नियम के कारण, ठीक है। तो इसे समझते हैं, ये आपका माइनस साइन क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन किस कारण से है, लेंज लॉ के कारण, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ से लेंज का नियम पहले समझते हैं, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वतः स्वयं उत्पन्न हुई है। मतलब जो विद्युत परिपथ में हमारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल या उत्पन्न धारा की दिशा है, वह स्वतः उसका विरोध करती है जिसके द्वारा वह उत्पन्न हुई है, ठीक है। इसे समझते हैं पहले, ये आपका एक चुंबक है, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक, चालक है, लेकिन ये बंद परिपथ है, ठीक है, ठीक है। आपको पता है अगर इस मैग्नेट को हम इस कंडक्टर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या इसमें, इसमें क्या करंट उत्पन्न होगा, ठीक है। पहले तो आपका इसमें क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, चूंकि ये क्लोज सर्किट है तो इसमें क्या करंट उत्पन्न होगी, ठीक है, क्या होगी, करंट उत्पन्न होगी, ठीक है। आपको पता है यदि किसी चालक में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस कंडक्टर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, यहाँ पर लिखा है किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो इसमें प्रेरित धारा मतलब इसमें मैं जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस मैग्नेट की बिल्कुल विपरीत होगी। मतलब अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ भी क्या होगा, नॉर्थ होगा और यहाँ साउथ होगा, मतलब इस मैग्नेट के बिल्कुल विपरीत होगा, ठीक है, क्या होगा, इस मैग्नेट के बिल्कुल विपरीत होगा, ठीक है। यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ भी नॉर्थ है, अगर यहाँ नॉर्थ बन रहा है तो आप यहाँ पे क्या करंट की दिशा निकाल सकते हैं मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। आपको पता है ये जो उंगलियों की दिशा है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाता है, ये करंट की दिशा को दर्शाता है। तो हमारे देखिए आपका क्या है, कंडक्टर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऐसे है, ठीक है, कैसे है, ये देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो करंट की दिशा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो करंट की दिशा कैसी है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा और प्रेरित धारा की दिशा दोनों सेम होती है, यही आपकी करंट की दिशा होगी, यही आपकी उत्पन्न ईएमएफ की दिशा होगी, ठीक है, ठीक है। सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। मतलब ये किस कारण से, बताइए, इस परिपथ में मतलब इस कंडक्टर में जो हमारा करंट उत्पन्न हुआ है इस ये किस कारण से उत्पन्न हुआ है, फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण। अब फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हुआ है,
जब हमने इस मैग्नेट को गति दिया, ठीक है, मतलब गति दिया तो इसमें करंट उत्पन्न हुआ, और करंट उत्पन्न हुआ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऐसी होगी इस चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल विपरीत, मतलब यहाँ भी नॉर्थ तो यहाँ नॉर्थ, तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है, अर्थात ये ये मैग्नेटिक फील्ड इसके मोशन को, मतलब इस गति का विरोध कर रही है, क्यों, क्योंकि इस गति के कारण ही इसमें क्या करंट उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए यहाँ आपका क्या माइनस साइन लगता है, ठीक है। तो आपका ये लेंज का नियम था, ठीक है, और यही आपका विद्युत चुंबकीय फ्लेयर का नियम था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगले क्लास में।